यवतमाल में बाढ़ दो की मौत, जोधपुर में दो घंटे के अंदर 66.8 मिलीमीटर बारिश। महाराष्ट्र में स्थित यवतमाल में बहुत बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। इसी बारिश के चलते एक घर की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से दो लोगों की मौत हो गई। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए लोगों को एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की मदद बुलाई गई, जिसकी मदद से उनको रेस्क्यू किया गया। इस समय 5 जगहों पर SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं रायगढ़ के इरशाल वादी में लैंडस्लाइड के कारण अब लोगों की मौत की संख्या 26 पहुंच गई है, तो दूसरी ओर 82 लोग अभी भी लापता हैं। कुछ जिलों में अब ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। उन जिलों में पालघर, मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी शामिल हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी और करगिल में बादल फटने की खबर सामने आई है। इसी बारिश के मौसम में यूपी के बिजनौर के मंडावली के कोटवाली नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण 40 लोगों से भरी बस बीच में फंस गई। पर अच्छी खबर ये है कि JCB की मदद से सबको सुरक्षित निकाल लिया गया।